आज हम बनाएंगे एक चिकन स्टार्टर की रेसिपी जो कि है बटरफ्लाई चिकन, जो कि यूनिक रेसिपी है। खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी होती है और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने ना 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इसे वॉश करके एक्स्ट्रा पानी ड्रेन कर दिया है और इस तरीके के क्यूब्स मैंने कट कर लिए हैं। देखिए ज़्यादा बड़े या छोटे नहीं करना है। अब इसे हमें मैरिनेट करना है, तो थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना है। अब इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून के करीब। तो ये तीखी नहीं होती है ना, कलर के लिए ऐड कर रहे हैं। और तीखी वाली लाल मिर्च मैंने ली है 1 टेबल स्पून। अब इसमें जाएगी काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब। थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड कर देंगे, येलो वाला जो जलेबी का कलर होता है ना, वही ऐड किया है मैंने। 1 टीस्पून के करीब सोया सॉस ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 1 फुल लेमन जूस। अगर आपको यहाँ पे दही डालना है तो डाल सकते हैं, तो गाढ़ा दही यहाँ पर लेना है, ये याद रखना है, 1 टेबल स्पून के करीब। सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक चीज़ डालना मैं भूल गई थी, जो कि है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के करीब इसमें ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमारी जो चिकन है क्रिस्पी बने। सब चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ना मैरिनेट करके हम 15 से 20 मिनट रखेंगे। अब हमें एक घोल रेडी करना है, तो आधा ग्लास पानी लेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून के करीब। अच्छे से इसे मिक्स करके एक घोल रेडी करेंगे। ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके का हमें चाहिए। अब यहाँ पर एक आलू लिया था मैंने, इस तरीके से इसके स्लाइसेस कट कर लिए हैं। देखिए छिलका निकाल कर, ज़्यादा पतले अब मोटे नहीं करना है, इसी तरीके के हमें चाहिए। आप स्लाइसर से नहीं करना है, नाइफ की हेल्प से इसके स्लाइस करना है, देखिए हाथों से। तो चलिए बटरफ्लाई चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक एक हम आलू का स्लाइस देंगे, इस तरीके से डिप करेंगे कॉर्नफ्लोर के घोल में, और चिकन का एक पीस लेकर इस तरीके से हम रखेंगे। बड़े ध्यान से देखना है वीडियो को। अब यहाँ पर मैंने लिया एक टूथपिक और इस तरीके से हम टूथपिक को इसमें डाल देंगे, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे हमारा बटरफ्लाई चिकन बनके रेडी हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है ना। इसी तरीके के हम आपको जितने भी ये सब बनाना है, और यकीन माने बहुत ही आसान से रेसिपी है, बहुत ही फटाफट से बन जाती है। चलिए इसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए फ्राई पैन में, और तेल जैसे गर्म होता है फ्लेम को हम कर देंगे लो। लो फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। एक एक पीस इसमें ऐड कर देंगे चिकन का, देखिए इस तरीके से बहुत ही क्रिस्पी बनता है। आप ज़रूर ट्राई करना, यकीन मानिए। एक साइड से जब ये हो जाएगा ना, तो इसे हम पलट देंगे, दूसरे साइड से भी हमें इसी तरीके से फ्राई करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो चिकन जो है वो कच्चा रहेगा और आलू फटाफट से फ्राई हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से दूसरे साइड से भी हम इसे फ्राई करेंगे, और इसे बनने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, फटाफट से रेसिपी बन जाती है। तो देखिए दोनों साइड से हो चुका है। अब एंड में ना, जब ये अच्छे से हो जाएगा ना फ्राई, तो हाई फ्लेम पर हम एक बार इसे पकने देंगे। देखिए आधे मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से हम फ्राई करेंगे, ताकि इसमें अच्छा सा कलर आए। देखिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी यहाँ पे बटरफ्लाई चिकन हमारे बनके रेडी हो गए हैं। ज़रूर ज़रूर ट्राई करना। देखिए आप लोगों को नज़दीक से बताती हूँ फ्रेंड्स, में बहुत ही यूनिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना। तो इसका जो आलू है ना, वो भी बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है, आप देख सकते हैं, और चिकन भी बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे फीडबैक ज़रूर देना। कमेंट करना भूल जाते हो, लाइक करना भी भूल जाते हो। तो वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ गिव मी बिग थम्स अप, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।